बहुत मुझे अपने अखबारों में, अपने चैनलों में जगह मिली। मुद्दा ऐसा था जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आता था कि क्या न्यूटन, आइंस्टीन और आर्किमिडीज जैसे वैज्ञानिकों में संशोधन संभव है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता था संशोधन संभव है और मैं इसमें लगा रहा, आप लोगों ने सहयोग दिया, उसका धन्यवाद। और आज ये छोटी सी हम बात रखेंगे न्यूटन के तीसरे नियम में। तो न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक क्रिया बराबर है प्रतिक्रिया होती है। मैं कहता हूँ कि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर कम या ज़्यादा भी हो सकती है, और इस बात को प्रयोगों से सिद्ध करना है। और अगर आप देखें, मैंने ड्रेस नोट में इसको नोबेल प्राइज से रिलेट किया है, यह मेरा सौभाग्य है और मैं इसके भी स्थिर हूँ। सबसे पहली बात यह हो जाती है कि मैं 1 अगस्त 2018 को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन गया था। वहाँ मैंने एक बात रखी कि न्यूटन का नियम वस्तु के आकार के बारे में साइलेंट है, यह वस्तु के आकार के बारे में कुछ नहीं कहता है। अगर आपका कैमरा इसमें जाए तो मैंने यहाँ एक स्केच सा बना रखा है जिसमें अलग अलग आकार की वस्तुएं हैं। कोई वस्तु गोल है, कोई वस्तु अर्धगोल है, कोई वस्तु त्रिभुज है, कोई लंबी पाइप नुमा है और कोई वस्तु अनियमित आकार की है। न्यूटन का नियम सभी आकार की वस्तुओं के लिए एक जैसा ही है। न्यूटन का नियम कहीं भी वस्तु के आकार की कोई बात नहीं करता है। मैंने बहुत पहले से इस बात को उठाया था, 1999 में मेरा पहला रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश हुआ था कि भाई वस्तु के आकार को स्टडी किया जाना चाहिए। धीरे धीरे वैज्ञानिक जगत मेरे साथ हुआ और मैं उन वैज्ञानिकों के लेटर भी ओरिजिनल में उनके दस्तखतों के साथ आपको बताऊंगा, जिन्होंने मुझे कहा है भाई न्यूटन के तीसरे नियम में आकार को अगर आप प्रयोगों से सिद्ध करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर आज आप NCERT की किताबों को भी देखें, पढ़ लीजिए आप इनको, इनमें वस्तु के आकार का कहीं कोई महत्व नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूँ ये न्यूटन के नियम की बहुत बड़ी खामी है और इसको हमें देखना है, इसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। अगर भारत सरकार इसमें प्रयोगों में मुझे सहयोग करे तो बहुत आसानी से ये वस्तु के आकार वाला प्रभाव सिद्ध हो सकता है। दुनिया भर की साइंस बदलेगी, एक स्कूल की बात नहीं है, जितने भी स्कूल हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हैं, वहां पर ये नियम जाएगा कि जी 335 सालों तक न्यूटन के नियम को अधूरे ढंग से ही साइंसदान बच्चों को पढ़ाते रहे, लेकिन सच्चाई इसमें कुछ और थी। और ये देखिए, ये जो न्यूटन की किताब है जो 1686 में न्यूटन ने लिखी है, इसमें भी वस्तु के आकार का और जो उपयोग, जो एप्लीकेशंस, जो अनुप्रयोग हम न्यूटन के नियम के संबंध में करते हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। न्यूटन ने तो सिर्फ एक सिंपल सा नियम दे दिया था और उसके बाद उसमें व्याख्या नहीं की, क्योंकि उसमें समय ही ऐसा था, 1686 की बात है, विज्ञान अपने प्रागतिक चरणों में था और न्यूटन ने शुरुआत की, लेकिन खत्म न्यूटन की समझ को हम करेंगे। वो उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि न्यूटन ने सब कुछ इसमें कह दिया है,
विज्ञान ऐसे ही चलता है, विज्ञान ऐसे ही बदलता है, लोगों को ऐसे ही एक तरह से नेगलेक्ट किया जाता है, एक तरह से जो जो शब्द यूज कर सकते हैं किए जाते हैं, लेकिन जब वो बातें प्रयोगों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से दुनिया के सामने रखी जाती हैं, तो फिर विश्व का हर आदमी अलग सोचता है, जो अपने अपने होते हैं वो भी अलग सोचते हैं कि हमने इनको क्या समझा। तो इसके बाद मैं जो मैं कहना चाहता था वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको उन वैज्ञानिकों के दस्तखतों के साथ, उनके एड्रेस के साथ, उनके ईमेल के साथ ये लेटर दिखा रहा हूँ। ये लेटर है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के प्रेसिडेंट हैं गॉर्डन पी रामसे, प्रेसिडेंट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में है ये, और ईमेल उन्होंने दिया है, फोन नंबर उन्होंने अपना यहाँ पे दिया है। उन्होंने कहा है, साफ लिखा है, देख लीजिए आप यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा, वो हजारों मील दूर है यहाँ से, मेरा उन पे कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने इसमें लिखा है कि जो प्रयोग अजय शर्मा कहते हैं अगर वो किए जाए तो न्यूटन का नियम गलत सिद्ध हो सकता है। इस तरह जो सबसे बड़ी एक रिसर्च में बात होती है ओरिजिनलिटी की, मौलिकता की, कि आप ही किसी बात को सबसे पहले कह रहे हैं, वो यहाँ से सर्टिफाई होती है। ये लेटर है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स का। और उसके बाद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने मेरे रिसर्च पेपर को इवेल्युएट करवाया, और इवेल्युएट करने वाले थे इसके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। ये वो लेबोरेटरी है, अगर हमने साल में 1/100 सेकंड भी साल में डालना है तो वो लेबोरेटरी इस काम को करती है। देख लीजिए, ये डायरेक्टर साहब के साइन है, और आगे साइन हमारे पास है इसमें डॉक्टर BPS अवाना, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। इन्होंने इस कार्य को पूरी तरह से एनालाइज किया है, इन्होंने इस कार्य को एनालाइज किया है। ये कहते हैं कि हमने सारा रिसर्च देखी लेकिन कहीं भी वस्तु के आकार के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जिस वस्तु के आकार के बारे में अजय शर्मा जी ने बात रखी है। उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि अगर ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो जाता है देन इट इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन साइंस, तीन को प्रयोगों से मैं कर देता हूं तो भारतीय विज्ञान के लिए ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ये CSIR के साइंटिस्ट हैं, मैं शिमला में एक पहाड़ी जगह में रहता हूं और मैंने उनके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, कोई मैं उन पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर प्रभाव है तो सच का प्रभाव है, तो सच्चे आर्गुमेंट का प्रभाव है, तो विज्ञान का, तभी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद ये लिखते हैं कि अजय शर्मा को किसी भी संस्था के लिए, संस्था में पैसों का प्रबंध करके इन प्रयोगों को करना चाहिए, ये भी मेरी प्रयोगों की मौलिकता को सिद्ध करते हैं। जब ये दो तीन रिपोर्टें मेरे पास आई और अमेरिका में मुझे बोला अजय आप प्रयोगों से सिद्ध करो, नोबेल प्राइज आपका होगा, फिर तो मैंने किसी भी नकारात्मक बात को नहीं सुना। जो लोग मजाक भी उड़ाते थे मैंने उनको भी निग्लेक्ट कर दिया, उनके बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर तो पिछले 2-3 सालों से इसमें एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं। और उसके बाद ये कई साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा भी रिपोर्टें लगी हैं, इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं, इसमें यूरोपियन जर्नल्स के एडिटर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाले तो यहाँ तक लिखते हैं कि अजय हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि जो साइंस आपने दी है, जो नई बात बताई है न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपको बधाई। और उसके बाद एक अमेरिकन यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट भी यहाँ लगी है, डेट भी यहाँ लगी है, उन्होंने कहा कि इन प्रयोगों से न्यूटन की ही डोमेन में न्यूटन को मॉडिफाई किया जा सकता है। और इसके बाद ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी साफ लिखा है कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की लेबोरेटरी में जाइए और ये प्रयोग किए जाने चाहिए, ये प्रयोग अभी तक नहीं हुए हैं, इससे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, यंग माइंड्स हैं, उनको इसमें फायदा मिलेगा।
इसी के साथ एक रिपोर्ट जो हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी साफ लिखा है भाई आपका काम ये सही है, आप उनको प्रयोगों द्वारा करो। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ सर, मैं 39 साल से एक पागल की तरह इस काम के पीछे लगा था। जब मैं बीएससी में स्टूडेंट था, मैंने थ्योरेटिकल काम करके ये तो सिद्ध कर दिया सबको कि भाई इस लॉ में खामी है, लेकिन मैं प्रयोग खुद नहीं कर सकता, वो मेरे बस से बाहर है। उनके लिए देखिए कैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कैसे चाहिए होते हैं। अब सब सारे क्रिकेट देखते हैं, जब क्रिकेट की बॉल फेंकते हैं तो एकदम बता देते हैं वो इंस्ट्रूमेंट से कि ये बॉल जो है 120 किलोमीटर पर आवर से गई है या 190 किलोमीटर पर आवर से गई है। इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एकदम माप देते हैं। अब उस तरह के इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए। अब वो इंस्ट्रूमेंट तो अगर मैं अपनी सारी जमीन को भी बेच दूं, जो मेरा मकान वगैरह है पुश्तैनी जमीन सभी बेच दूं, तभी मैं वो इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकता हूं। उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो बहुत ही आवश्यकता है वो सरकार के माध्यम से ही मुझे मिल सकती है, अन्यथा ये नहीं मिल सकती है। हाँ, एक बात मैं उसके बाद में छोड़ गया कि जो मैंने न्यूटन के नियम के बारे में खामियों के बारे में बताया था, उसको इंडियन साइंस कांग्रेस ने भी, उनके पास मैंने अपने रिसर्च पेपर भेजे तो उन्होंने भी इसको छाप के दिया यहाँ पर कि जी आप जो है सही बात कह रहे हैं। और इन सब का मतलब ये हो गया कि इन सब कामों में जो कॉपीराइट है, जो अधिकार है, वो भारतीयों का ही है। जो एक छोटे से छोटे गांव में जो आदमी रहता है उसका भी उसके ऊपर इतना ही अधिकार है। और जब ये प्रयोग होंगे तो हर भारतीय का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा उठेगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि अगर 39 साल तक मुझे किसी ने नहीं सुना, बट इनको अब मना कर दी, इनको निकाल दीजिए उसमें, नहीं सुना, तो आज मैं रिटायरमेंट होने के बावजूद दुनिया को एक ऐसा काम देने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा होगा और आगे तक जाएगा। और ये मेरा सौभाग्य है, और इससे बड़ी सौभाग्य की बात मैं क्या कह सकता हूँ। अब मैं आपको एक और सबमिट करता हूँ यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि अभी पिछले साल हमने भारत ने चंद्रयान 2 आकाश में भेजा था। उसका खर्च आप अगर एस्टीमेट करें तो वो खर्च था 1,000 करोड़ रुपया। और मैं उन प्रयोगों को जिनसे नोबेल प्राइज मिल सकता हूं उनकी कीमत बता रहा हूं, आज मुझे दिए जाए तो ये 10 लाख रुपए में हो सकते हैं प्रोवाइडर। लेकिन ये शर्त इसमें ये है कि मुझे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो 2-4-6 महीने के लिए मिल जाएं। उन इंस्ट्रूमेंट से मैं वस्तुओं की जो गति है उनको माप दूंगा, और जो न्यूटन के नियम से बिल्कुल मेल नहीं खाएगी और वो न्यूटन गलत होगा, तो कहां 1,000 करोड़ रुपया और कहां 10 लाख रुपए और कहां एक इसरो का वो एक संस्थान जिसमें हजारों अरब रुपया आज तक खर्च हो चुका है। लेकिन इसमें तो ये छोटी सी बात है। अब मैंने एक इसके मुद्दे पे आता हूँ, प्रैक्टिकल मुद्दे पे आता हूँ कि आप बोलेंगे कि इन्होंने इतनी बातें कर दी तो क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं कई वर्षों से सरकार के पास जा रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट्स हैं उनको लेके जा रहा हूँ कि ये मेरी नहीं है भाई, इन साइंसदानों की है, और ये जो मेरी पब्लिकेशन है साइंस जर्नल्स में उनको लेके जा रहा हूँ कि कृपया मुझे 8-10 लाख रुपया दे दें ताकि मैं इन प्रयोगों को कर सकूं। ये फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पैसे नहीं दिए जाएं, मुझे एक भी पैसा नहीं दिया जाए। आप एक कोई कमेटी बना लीजिए जो मुझे इन प्रयोगों को देखे और इन पैसों का इंतजाम करे, मैं खर्च नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो दे दीजिए। मैं अब नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, नाम मैं अंत में लूंगा। मैं सबके पास गया जहां जहां हो सकता था, नीचे से ऊपर तक, तो चिट्ठी जाती है एक से आगे चली गई, आगे से आगे चली गई, और नेट रिजल्ट 0। अब
चलो मैं तो पेशेंस वाला आदमी हूँ, मैं तो इसमें लगा हूँ। अब कई बार बात ऐसी उठती है कि जी ये इन प्रयोगों को ना यूनिवर्सिटी वाले करवाएं। चलो यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर हैं उनको मैंने रिटर्न में डॉक्यूमेंट बता दिए, उन्होंने इन काम को ओरिजिनल बता दिया, उन्होंने कहा हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहां तक इन प्रयोगों के होने का सवाल है, वो वहां भी एक आदमी को नहीं कुछ कई साइंटिस्टों को दिन रात काम करना पड़ेगा। अब जो हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ देखिए, हर प्रोफेसर के पास 5-6 रिसर्च स्कॉलर होंगे जो मैं मान रहा हूँ, वो उनके साथ लगे हुए हैं और जगह उनके पास भी नहीं है, तो वो प्रयोगों को कैसे करवा सकते हैं इनको। तो अब सरकार से मैं मुद्दे पे इसमें आता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, हमारे स्थानीय विधायक मंत्री सुरेश भारद्वाज जी हैं, बड़े बड़े भाई जी के समान हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन जिनके पास शिक्षा का पूरा संबंध है, सेक्रेटरी फाइनेंस, उन सब से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक कमेटी बनाई जाए, उसको 10 लाख रुपए वो दे दिए जाएं और बाकी का सारा काम मैं खुद करूंगा। 31 मार्च को मैं रिटायर हो रहा हूं, उसके बाद मेरे पास समय ही समय होगा, सरकारों जो ड्यूटीज है उसे मैं फ्री हो जाऊंगा। अगर वो पैसे मुझे दे दिए जाते हैं तो मैं बहुत जल्दी ही साल भर में इनको खत्म, प्रयोगों को खत्म कर देंगे और रिजल्ट आपके सामने होंगे। और उसके बाद जैसे मुझे तो लगा अभी तक तो भाई मेरी फरियाद उन तक नहीं पहुंची है, अब मेरा एक महीना बचा है, मैं उनके पास भी जाऊंगा आगे और फिर फरियाद करूंगा। नहीं तो हमने एक अपना भी रास्ता अब एक और चुन लिया है कि हम दोनों मिलके जो हमारी एक स्ट्रगल स्टोरी है, जैसे मैंने एक स्टार्ट कहाँ से किया था, एक हिंदी मीडियम स्कूल से किया था, एक सरकारी स्कूल से किया था, और मेरे घर में बिजली तब आई थी जब मैं 6 क्लास में था। उसके बाद आज तक जो भी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, हम उनको हिंदी में और अंग्रेजी में लिखेंगे, उसको दुनिया के सामने रख देंगे, और अन्यथा रिजल्ट क्या होगा अगर हम वो नहीं करते हैं। पिछले 23 साल से मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूं, दोनों टाइम मेडिसिन मैं लेता हूं और शायद जिंदा हूं तो आज इन्हीं की वजह से हूं, और मैं उनको दुनिया के सामने रख देंगे। अगर भारत सरकार को, हिमाचल सरकार को नोबेल प्राइज चाहिए तो मैं आज फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं 100% कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे कोई किसी तरह का डर भी नहीं है और किसी तरह का कोई मैलिस भी नहीं है मेरे मन में, तो 10 लाख रुपए का अगर इंतजाम किया जाता है और किसी को एक बना दी जाती है कमेटी, मुझे सिर्फ प्रयोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, पैसा मुझे नहीं चाहिए, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे 136 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और उतने ही हमारे पास हमारे जो हिमाचली हैं, मैं उनके भाव से सरकार को आपके माध्यम से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप में नहीं एक कमेटी को बना के 10 लाख रुपए दिए जाएं ताकि मैं इन प्रयोगों को करूं। अन्यथा हमने मरना तो है नहीं है, हमने तो अपनी जो भी हमारे मन की बात है वो दुनिया के सामने लानी है, उसके ऊपर चाहे फिर फिल्में बने, उसके ऊपर चाहे वेब सीरीज बने, उसके ऊपर हमने तो किसी कुछ नहीं कहा, अगर किसी ने गलत किया होगा तो वो खुद दुनिया के सामने आएंगे। यही मेरी आपसे एक सबमिशन है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका बहुत टाइम दिया। सर, अगर आपके प्रयोग सफल होते हैं तो सर इसका सोसाइटी के लिए क्या फायदा होगा, ये बताएं। मैडम जी, पहली बात यह है कि होते नहीं है 100% ये प्रयोग सफल होंगे। अब थोड़ी सी मैं थोड़ा सा एक और आपको बात बताऊं, जो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीते हैं। 1928 में सीवी रमन ने सर रमन इफेक्ट की खोज की थी, वो छप गई थी। 1929 में सीवी रमन बार बार कोशिश करते रहे कि मुझे नोबेल प्राइज का इनविटेशन आएगा, नहीं आया, नहीं मिला उनको। फिर मैं कह रहा हूं 1930 में सीवी रमन महोदय ने पहले ही 4 महीने एयरटेल खरीद लिया, तो उनको उनको विश्वास था अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास था कि मुझे ये काम होगा। तो ये जो है ये 100% सफल होंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बाकी मैडम जहां कहां तक आपने इसको जो बात की है इसकी जो पब्लिक लाइफ की, मैम पहली बात तो इसका एक एकेडमिक इंटरेस्ट है, जितनी भी हमारी जो साइंस है स्कूल में वो बदलेगी, वो ही नहीं बदलेगी पूरी दुनिया
दुनिया की साइंस में इसका रेफरेंस होगा तो इससे बड़ा एक एक सम्मान की बात हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकती है। और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल इसके इम्प्लीकेशन होते हैं वो समय के साथ नजर आ जाएंगे। एक आपने बोला कि 10 लाख रुपए का खर्चा इस पे आएगा, तो 10 लाख जो इसरो डीआरडीओ हेल के जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स बोले, इंस्ट्रूमेंट एक तो स्पीडोमीटर चाहिए आपको, क्या चाहिए सर? मैं एक बार फिर आपको बताऊं, हम क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, स्पीड के लिए हाँ, उसके एकदम पता लग जाता है कि स्पीड कितनी है बॉडी की, और उसके साथ हमारे पास ना डिस्टेंस का ही पता लग जाता है कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसके साथ हमें उसका टाइम का ही पता लग जाता है। सर अगर वो, मुझे ये लगता है अभी तक मैंने कोई ज्यादा इसमें नहीं किया, लेकिन ये इसरो डीआरडीओ और हेल में ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसरो वाले साइंस सैटेलाइट भेजते हैं, डीआरडीओ वाले हमारे लाइट बॉम्बार्डियर क्राफ्ट बनाते हैं, हेल वाले भी हमारे पास कोई जो जहाज बनाते हैं, मिसाइलें फेंकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हम उनके इंस्ट्रूमेंट को लेके बाकी जो बाकी का पार्ट जो है वो थोड़ा सा है उसमें बॉडीज को फैब्रिकेट करवाना है हमने, वो आराम से हो जाएगा, तो मुझे लगता है 10 लाख में ये काम हो सकता है। देखो 10 लाख इतने बड़े उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, आपको नहीं लगता सरकार ही देती, तो एनजीओ कुछ है, एनजीओ से आप एनजीओ दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी सर? अब ऐसा हुआ कि जब मैंने शुरू किया था तो कोई विश्वास भी नहीं करता था, अब धीरे धीरे 2018 के बाद मैं सच बताऊं कुछ साइंस के जो बड़े बड़े दायरे हैं वो मेरे को सही बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद वो समय आ गया है कि अगर हम उनके पास भी जाएं तो मुझे मेरे लिए वो विश्वास करेंगे। आज से कुछ 5 साल पहले मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था, एक बार ये विश्वास करती थी, पता नहीं इसकी मजबूरी थी कि ये बहुत इंटेलिजेंट थी, ऐसा नहीं है, जर्नलिस्ट में भी विश्वास किया तभी तो खबरें लगाई सर, तो उनको तो आपको तो मैंने पहले ही धन्यवाद कर दिया है, आपको तो शुरुआत में धन्यवाद कर दिया।